रेडियो झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। सीआरपीएफ ने आज 16वां दिन गढ़वा जिला के चिनिया प्रखंड में गरीब परिवारों के बीच बांटा राहत सामग्री। गढ़वा सीआरपीएफ 172वीं बटालियन के कमांडेंट आशीष कुमार झा के निर्देश पर द्वितीय कमान अधिकारी जेपी सिंह के नेतृत्व में रविवार को गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र स्थित ब्लॉक परिसर में असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच सीआरपीएफ के द्वारा राहत सामग्री व मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही नोज मास्क लगाने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर सीआरपीएफ 172वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी जेपी सिंह ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी को लेकर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में असहाय व गरीब परिवारों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए सीआरपीएफ ने गरीब असहाय मजदूरों को राशन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा गरीबों के चिन्हित कर सूची पर राशन का वितरण किया गया है। सीआरपीएफ के द्वारा आज 16वां दिन राशन का वितरण किया गया। आज ही उन्होंने कहा कि इस महामारी जैसी बीमारी में लोग अपना बचाव स्वयं करें, गंदगी ना फैलाएं, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट तुलिका सिन्हा सुबेदार, मेजर दीपक कुमार, चिनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कालिदास मुंडा सहित सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। डेली न्यूज झारखंड परिवार भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, जिला प्रशासन को सहयोग करें, अपने अपने घरों के अंदर रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।